दोस्तों आपका स्वागत है। आज आपको दिल्ली का सबसे आधुनिक पर्यटन स्थल सिग्नेचर ब्रिज दिखाते हैं। यह पुल लगभग 10 वर्षों में बनकर तैयार हुआ है। यह पुल दिल्ली के वजीराबाद नामक स्थान के नज़दीक है। ये सामने जो आप जगह देख रहे हैं पुराना वजीराबाद पुल है, यहाँ वजीराबाद पैराज भी कहते हैं। यमुना का पानी यहाँ बहुत साफ है, यहाँ से आगे यमुना का पानी गंदा होता है। अब आप वजीराबाद बैराज से सिग्नेचर पुल को देख रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी हरियाली है, काफ़ी जंगल है। देखिए, मैं बिल्कुल यमुना के डूब क्षेत्र में खड़ा होकर वजीराबाद बैराज और सिग्नेचर पुल दोनों को देख रहा हूँ। जब बरसात का पानी आता है तो यहाँ पर खूब बाढ़ जैसे हालत हो जाते हैं। चलिए अब हम आपको सिग्नेचर पुल के नीचे से घुमाते हैं। ये देखिए, सुबह का समय है और मैं सिग्नेचर पुल के अंदर से होकर इसके पार जा रहा हूँ। ये देखिए, पार आने के बाद बहुत शानदार दृश्य दिखा दिया, क्योंकि अब सूरज हमारे पीठ के पीछे जा चुका है। ये देखिए कितने मोटे मोटे तारों के केबल हैं जो इस पुल के वजन को संभाले हुए हैं। इस पुल में कुल एक ही ये लंबा पिलर है। सिग्नेचर पुल से बहुत अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं। ये सामने मजनू का टीला गुरुद्वारा है और ये यमुना नदी है। आधा पानी साफ, आधा पानी गंदा है क्योंकि इसमें नाला मिला हुआ है। ये हमारी मोरनी और ये रहा सिग्नेचर पुल, एकदम शानदार जगह। इस वीडियो को बनाने में मेरी साइकिल, जिसे मैं मोरनी कहता हूँ, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने इस पुल को इसके लगभग चारों ओर कई कई किलोमीटर की दूरी तक घूम घूम कर यह वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो को बनाने में मैंने लगभग 100 किलोमीटर के आसपास साइकिल चलाई होगी। काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में भी मैं चढ़ा हूं और इसके आने वाले सभी रास्तों, सभी फ्लाईओवरों पर मैंने साइकिल दौड़ाई और इसकी वीडियो बनाई। ये देखिए, जगतपुर की साइड से ये दिखाई देता हुआ। और इस वीडियो को बनाते समय मैंने गर्मी, सर्दी, बरसात तीनों की वीडियो को एक साथ जोड़ा है। अब आपको जो ये वीडियो के पल दिखाई दे रहे हैं, ये है इस पुल के ठीक सामने बालक राम अस्पताल है। उसकी 7वीं या 8वीं मंजिल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। बालक राम अस्पताल तिमारपुर दिल्ली 54 में आता है। बालक राम अस्पताल की छत से यह पूरा सिग्नेचर पुल और पुल का पूरा फ्लाईओवर का क्षेत्र और इस फ्लाईओवर और बालक राम अस्पताल के बीच में मेट्रो का एक डिपो है, जो वीडियो में आपको नीचे खड़ी हुई दर्जनों ट्रेन दिखाई दे रही है। और यह जो सामने अभी आप देख रहे हैं, यह वजीराबाद बैराज से लेकर सिग्नेचर पुल तक का पूरा इलाका आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा सिग्नेचर पुल, तो आप बार बार हर एंगल से आप देख रहे हो। ये मेट्रो का जो टर्मिनल है, यह तिमारपुर मेट्रो टर्मिनल, देखिए बालक राम अस्पताल की छत से। यह लॉकडाउन के दौरान बनाए गए वीडियो का भाग है। कुछ वीडियो लॉकडाउन के दौरान बना, कुछ लॉकडाउन के पहले और बाद में बना था। ये देखिए, यहाँ पे फ्लाईओवर का जो घूम है उसका क्षण दिखाई दे रहा है।
अब आपको तिमारपुर से थाने की तरफ से लेकर मेट्रो डिपो के ऊपर से होते हुए सामने वजीराबाद बैराज और ये सिग्नेचर पुल आपको यमुना नदी पर। दिल्ली में बहुत सारे पुल हैं जिसमें से यह सिग्नेचर पुल सबसे आधुनिक सबसे नवीनतम है। ये देखिए सामने मेट्रो का डिपो, आप पूरा देखिए आराम से कितनी दर्जनों ट्रेन यहाँ खड़ी हुई है। ये लॉकडाउन के कारण कई महीने यहाँ खड़ी रही थी। चलिए अब हम पुल के बालकराम अस्पताल के ऊपर से पुल को देखना छोड़कर नीचे की तरफ चलते हैं। अभी पुल को कई और किनारों से आपको आगे दिखाया जाएगा। सिग्नेचर पुल के अलावा दिल्ली में ISBT पुल, निजामुद्दीन पुल और दिल्ली का सबसे पुराना लोहे का पुल और इसके अलावा एक कालिंदी कुंज पुल, बहुत सारे पुल दिल्ली में हैं लेकिन सिग्नेचर पुल एक अलग पहचान रखता है। यह पुल लगभग 10 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। चलिए अब वापस हम फिर से सड़क पर आ गए हैं और अब अलग अलग एंगल से जो बचा हुआ हिस्सा है वो देखते हैं। ये देखिए अब हम इस पुल के साथ जुड़े हुए जो फ्लाईओवर हैं उनके नीचे चल के देखते हैं। ये देखिए किस तरह यहाँ पे रंग बिरंगी लाइट रात के समय यहाँ जलती है, कभी लाल, कभी हरी, कभी पीली, कभी नीली। ये हमारी साइकिल है और सिग्नेचर पुल को मैंने बनते हुए भी देखा है और इस पुल की जगह पहले यहाँ पे एक पंटून पुल हुआ करता था। उस पंटून पुल से भी मैं कई महीनों तक, कई सालों तक यमुना नदी को मैंने इस किनारे से उस किनारे और उस किनारे से इस किनारे आवागमन करते हुए ड्यूटी की है। ये देखिए अब आपको सामने जो काम चल रहा है वो मेट्रो का काम चल रहा है। ये सामने गंदा नाला, यहाँ से पहले यमुना में गंदा नाला नहीं गिरता और ये नजफगढ़ वाला ड्रेन है, गंदा नाला है जो यमुना को आगे यमुना नदी की बजाय यमुना को एक नाले के रूप में बदल देता है। यहाँ से यमुना नदी में नाले गिरने की शुरुआत होती है और उसके बाद आगे यमुना में कई बड़े बड़े विशाल नाले गिरते हैं। आगे मथुरा, आगरा में यमुना में जो पानी है वो दिल्ली के नालों का पानी होता है, बाकी यमुना का साफ पानी तो वजीराबाद बैराज भी रोक लिया जाता है। अब देखिए अब मैं आपको ये शास्त्री पार्क वाली साइड से ये आपको वीडियो का हिस्सा दिखा रहा हूँ। ये शास्त्री पार्क वाली साइड से गढ़ी गांव है, वहाँ से ये है सिग्नेचर पुल का नज़दीकी से ये वीडियो देखिए। अभी आपको इस सिग्नेचर पुल के बिल्कुल नीचे से होकर मैं उस पार से भी वीडियो दिखाऊंगा। अभी आप पहले इस पार से सूर्यास्त और यहाँ का शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। यहीं जिस समय अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पहले पंटून पुल यानी नाव का पुल हुआ करता था, जिसके ऊपर वजीराबाद पुल पर भीड़ होने के कारण ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाता था। ये देखिए आप ध्यान से, शाम का समय है, यमुना में साफ पानी की जगह दिल्ली के नाले बह रहे हैं। अब पुल के बिल्कुल नज़दीक जाता हुआ ये देखिए काफ़ी लोग ऊपर खड़े हुए हैं जो पुल का आनंद लेते हैं। चलिए अब हम पुल के ठीक नीचे हैं, ये देखिए नीचे से पुल की छत कैसी लगती है। ये देखिए काफ़ी लंबा पुल है, ये नीचे पानी का बहाव, साफ पानी तो नहीं है, बरसात होती है तभी साफ पानी आता है, नहीं तो यहाँ पे जो नजफगढ़ ड्रेन है, नाला है, उसी का पानी इसके नीचे बहता है। अब पुल को पार करने के बाद वजीराबाद बैराज की तरफ से यह वीडियो का हिस्सा है। अंधेरा होने के बाद
यहाँ पर तिरंगा के रूप में इसकी लाइटें जल जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सिग्नेचर पुल के दूसरे किनारे से, सिग्नेचर पुल के अंदर से होते हुए दूसरे किनारे की ओर चलते हैं। अब हम सिग्नेचर पुल के दूसरी तरफ से उस पार जा रहे हैं। पहले जो शुरुआत में आपको वीडियो दिखाया था, तब मैं इसके उस तरफ से इस ओर आ रहा था। अब मैं इधर से पहले आया था, उसी साइड में जा रहा हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा जालों का तार है, तारों का जाल है। बहुत बढ़िया, शानदार, जय हो।